Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Neha और यहाँ आपको मिलेगी healthy, traditional and vegetarian recipes. आज हम बनाएंगे मेरा favorite breakfast chia pudding in 3 ways, जिसमें होगा एक savory version. तो अगर आपको सुबह सुबह मीठा खाना पसंद नहीं है, इसे जरूर try करें. इसका जो sweet version है, उसे आप dessert की तरह भी खा सकते हैं. कोई cooking की जरूरत नहीं है और इसे कोई भी बना सकता है simple ingredients के साथ. Plus, इसे आप 4-5 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं. है ना सुपर इजी? तो आइए जल्दी से बनाते हैं ये टेस्टी इजी एंड हेल्दी रेसिपी. यहाँ हमारा मेन इंग्रेडिएंट है चिया सीड्स, जो एक सुपर फूड है. इसमें फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिंस एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं. ये आपके ब्रेन, हार्ट, बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. प्लस वेट लूज करने में भी हेल्प करता है. पर ध्यान रखें, इसे ज्यादा नहीं खाना है. चिया सीड्स आपको मार्केट में या अमेजोन पे इजिली मिल जाएंगे. सबसे पहले बनाते हैं सेवरी वर्जन. इसके लिए मैंने एक ग्लास बोल लिया है, आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं. यहाँ हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो मैंने 2 टेबलस्पून चिया सीड लिया है. इसमें डालेंगे 1/2 कप दही. अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो साथ में पानी ऐड करें. ये दही ताज़ा ही लें, खट्टा हुआ तो चिया पुडिंग का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा. इसे एक विस्क या फिर स्पून की हेल्प से मिक्स कर लें. अभी कम से कम 2 घंटे के लिए या फिर रात भर इसे फ्रिज में रख दें. हम यहाँ पे सेवरी वर्जन बना रहे हैं, तो कुछ सब्जियाँ डालेंगे, जैसे कि गाजर, चुकंदर और खीरा. आप चाहें तो कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं. इस चिया पुडिंग का टेस्ट बिल्कुल कर्ड राइस जैसा होता है. एक और बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं और सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो आई एम श्योर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते होंगे. बट अब नहीं, ये सुपर ईजी मील प्रेप करें और बस 5 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी है. तो मैंने यहाँ सारी सब्जियों को ग्रेट कर लिया है. आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं. सीजनिंग और फ्लेवर्स के लिए तड़का लगा लेते हैं. पैन में डालेंगे घी या तेल. उसमें डालेंगे राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और इन्हें लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे. फिर इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे. वैसे तो ये 2 मिनट का ही काम है, बट फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं. 2 घंटे हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं चिया सीड्स फूल गए हैं या नहीं. एक बार मिक्स करके देखें, अगर पुडिंग बहुत ज़्यादा थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें. इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर, बीटरूट और खीरा. साथ में हम डालेंगे हरा धनिया. इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग और अभी जो तड़का बनाया था उसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इस तड़के वाले मिक्सचर को थोड़ा सा बचा के रखें, क्योंकि गार्निश करते समय हम उसे यूज करेंगे. तो लीजिए, ये हमारी क्विक एंड डिलीशियस दही चिया पुडिंग बनकर तैयार है. सर्व करते समय इस पे डालें बचा हुआ तड़का और इसे चिल्ड सर्व करें. बहुत ही इजी, टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है. आप इसे सुबह या शाम किसी भी टाइम खा सकते हैं. और अब बनाते हैं चिया पुडिंग का स्वीट वर्जन, मैंगो चिया पुडिंग. इसके लिए 4-5 काजुओं को 2 घंटे के लिए भिगो कर रखें. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे, उससे भी हो जाएगा. काजू की जगह आप बादाम या अखरोट का यूज भी कर सकते हैं. गर्मियों का सीजन है, आम ही सबका फेवरेट फ्रूट होता है, तो ये चिया पुडिंग आपको जरूर पसंद आएगी. आम को काटकर इसे एक ब्लेंडर जार में डालें. साथ में ऐड करेंगे दूध, सोख किए हुए काजू और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे. चिया पुडिंग एक क्रीमी, थिक एंड न्यूट्रिएंट पैक्ड मील है और इसका बेसिक वर्जन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन जाता है. ये मैंगो वाली चिया पुडिंग हम एक जने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिया सीड लेंगे. इसमें डालेंगे ब्लेंड की हुई मैंगो प्योरे. स्वीटनर के लिए मैंने यहाँ पे शहद डाला है. आप इसकी जगह चीनी या फिर कोई और स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं. अच्छे से मिक्स कर लें और इसे भी कम से कम 2 घंटे के लिए या फिर रात भर फ्रिज में रख देंगे. 2 घंटे हो गए हैं, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं. चिया सीड्स फूल गए हैं. एक बार मिक्स करके देखें, अगर थिक लग रहा है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें. सर्व करने के लिए इसे डालें एक ग्लास या फिर बोल में. गार्निश करने के लिए इस पर डालेंगे मैंगो के पीसेस, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड योर डिलीशियस मैंगो चिया पुडिंग इज रेडी टू सर्व. और अब बनाते हैं मेलन चिया पुडिंग. इसके लिए सबसे पहले खरबूजे को अच्छे से धोकर काट लेंगे. ये चिया पुडिंग बिजी मॉर्निंग्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. प्लस इसके स्वीट वर्जन में कोई कुकिंग की जरूरत नहीं है. और अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही है तो आप इसे हेल्दी डेजर्ट की तरह भी खा सकते हैं. आप चाहें तो कोई और फ्रूट का यूज कर भी ये चिया पुडिंग बना सकते हैं. खरबूजे को मैंने काट लिया है. इसे ब्लेंडर जार में डालकर इसका एक स्मूथ जूस बना लेंगे. ये पुडिंग भी मैं एक जने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिया सीड लूंगी और इसे एक बोल में डाल दूंगी. फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्लेंड किया हुआ मस्क मेलन, कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध. स्वीटनर के लिए हम इसमें डालेंगे शहद और अच्छे से मिक्स कर लेंगे.
कोकोनट मिल्क आप बाजार से ला सकते हैं या फिर घर पे इजीली बना सकते हैं। इसे 2 घंटे के लिए या फिर रात भर फ्रिज में रख देंगे। आप ये पुडिंग बनाने के लिए दूध, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क या कोई और मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें थिक लग रहा है तो कोकोनट मिल्क ऐड कर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। एक ग्लास में निकाल लें और इसे गार्निश करें खरबूजे के पीसेस और सीड्स के साथ। तो है ना ये सुपर इजी। आप इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।